मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर शहर में आचार संहिता लागू है, लेकिन इससे शराब माफियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बता दें कि कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने शराब अहाते बंद कराने की घोषणा की थी। इसका असर शहर में कुछ दिनों तक ही दिखा, इसके बाद अब फिर से लोग खुलेआम नशा करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं ग्वालियर के महाराजबाड़ा पर स्थित बार में खुलेआम शराब पिलाई जा रही है। बता दें कि महाराजबाड़े पर एसपी, कलेक्टर और बड़े बड़े अधिकारी चुनाव को लेकर कार्यक्रम कर रहे थे। उनकी ठीक पीछे बार में खुलेआम सड़क पर शराब लाई जा रही थी। वहीं जनकगंज थाने में पास बनी कलारी में भी शराब पिलाई जाती है, बावजूद इसके पुलिस प्रशासन मौन है। जब इस मामले में एसपी राजेश चंदेल से बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही, हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं, ये बिल्कुल अवैधानिक है और इस पर आवधिक कार्रवाई बनती है। कोई भी आदमी आहते जैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और शराब की दुकान के पास अगर पिलाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। मैं इसको और दिखवाता हूँ और सभी को इंस्ट्रक्ट भी करूँगा कि इस तरह की कोई शराब पीता हुआ बैठा पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करें।